ओके, हम स्टडी कर रहे थे टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, बुद्धि के परीक्षण। ओके, बुद्धि के परीक्षण। कल हमने एक बार चार्ट तो बना लिया था, अब थोड़ा सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं ताकि आपको पता रहे कि उस चार्ट से क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस में सबसे पहले लिख रहा हूं दो टेस्ट। एक कौन सा बोलो? व्यक्तिगत, ठीक है, पर्सनल टेस्ट, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ओके, और एक कौन सा बोलो? सामूहिक, ठीक है, कलेक्टिव या ग्रुप में आपसे मैं कहूं बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये पर्सनल है और ये ग्रुप में है। ये बोलो क्या है? बोलो पर्सनल टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट बोलो, मैंने कहा ये क्या है? पर्सनल टेस्ट, ठीक है, ऑफ इंटेलिजेंस। और ये क्या है? ग्रुप, मैंने कहा टेस्ट, ठीक है, ऑफ इंटेलिजेंस। समझ जाओगे? बोलो क्लियर। ओके, तो इसका मतलब पहले मैं किसकी कहानी बता रहा हूं आपको? मैंने कहा व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में बोलो एक बार में एक पर्सन का ही किया जाता है, नाम से पता चल रहा है। बोलो क्लियर। ओके, तो मैंने कहा ये भी टू टाइप का, ठीक है, टू टाइप्स, ओके, का होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। बोलो एक होता है भाषात्मक, ठीक है, बोलो, या शाब्दिक। बोलो शाब्दिक, जिसको वर्बल टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, शाब्दिक। मैंने कहा बोलो बुद्धि परीक्षण। क्लियर? ओके, मैं क्या कह सकता हूँ? बोलो वर्बल, बोलो टेस्ट, ठीक है, ऑफ इंटेलिजेंस। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। और दूसरा कौन सा है? बोलो इसके अंदर बोलो वन और टू, दूसरा कौन सा है? बोलो क्रियात्मक, बोलो, या मैं क्या कह सकता हूँ? बोलो ए शाब्दिक। क्लियर? बुद्धि परीक्षण हम क्या कह सकते हैं? बोलो फंक्शनल, बोलो टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बात समझ में आए? तो इसमें मुझे पहले कौन सा पढ़ाना है? भाषात्मक। आप समझ रहे हो? बोलो कहानी। ओके, तो मैंने कहा फर्स्ट कौन सा स्टडी करा रहा हूं? बोलो भाषात्मक। मैंने कहा व्यक्तिगत बोलो बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे बोलो, क्योंकि ये किसका टाइप है? बोलो इसी का है। बोलो वर्बल, पर्सनल, बोलो टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? और मैंने कहा ये है बोलो एजुकेटेड। क्लियर? बोलो पर्सन, ठीक है, बोलो के लिए बनाया, बनाए गए हैं। ठीक है, इतना सा लिख दिया मैं, समझ गए? बोलो ये पढ़े लिखों के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? बोलो पढ़े लिखों के लिए। और फंक्शनल में क्या बोलेंगे? अनएजुकेटेड के लिए। बात समझ में आई? यही बात बताई थी मैंने आपको। क्लियर? तो मैंने कहा यहां पर बोलो, यहां पर, ठीक है, क्या बात बता रहा हूं? इसमें इसमें निम्न बोलो तीन टेस्ट बोलो है। ठीक है, पहला कौन सा है? बोलो बिने साइमन बोलो बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ओके ओके ओके, पहले उसकी कहानी बना रहा हूं। क्लियर? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो यहां पर हम क्या बात बता रहे हैं? बोलो नंबर वन, इसी के अंदर पहली बात कि बोलो 1905 में सबसे पहले सर्वप्रथम, क्लियर, सर्वप्रथम बोलो बिने ने साइमन, ठीक है, के साथ मिलकर मिलकर फर्स्ट बोलो, मैंने कहा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? बोलो बुद्धि बुद्धि का प्रथम परीक्षण, ठीक है, प्रथम परीक्षण बोलो आपका बनाया। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता बोलो सब किसको माना जाता? बिने को माना जाता। किसको माना जाता? बिने को। ठीक है, इसलिए इसलिए बोलो बिने को बुद्धि परीक्षणों बोलो, बुद्धि परीक्षणों बोलो का जन्मदाता। क्लियर? बोलो जन्मदाता, बोलो बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता माना जाता है। क्लियर? कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर? जब बिने बोर्ड ने साइमन तो सहयोगिता के साथ मिलकर ये परीक्षण दिया, तो इसमें क्वेश्चंस की संख्या 30 रखी थी। कितनी रखी थी? बोलो 30। क्लियर? हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। और कोई भी बच्चा जैसे
बोलो 5 साल का लेना है तो 5 साल वाले प्रश्नों की लिस्ट होती थी किसके पास, बोलो बिने साइमन के पास, क्लियर। और उनसे पूछते थे, 5 के बता देते तो 6 के पूछते थे, 6 के बता देते तो 7 के पूछते थे, और 5 का नहीं बताया तो 4 के पूछते थे। बात समझ में आए बोलो, ये मैंने आपको कल समझाया था, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो इस परीक्षण में बोलो कुल 30 प्रश्न, ठीक है, प्रश्न बोलो आपसे मेरे को बनाए बनाए गए, क्लियर। कितने परसेंट रखे गए बोलो 30, क्लियर। फिर क्या हुआ कि बोलो आपसे मैं कर 1908 में, क्लियर, बिने ने बोलो मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु मतलब मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज बोलो शब्द शब्द बोलो दिया, ठीक है, और इसे इसे अपने अपने परीक्षण में जोड़ा, क्लियर। बोलो एक्चुअली क्या है, बीने और साइमन ने जब पहली बार बुद्धि परीक्षण बनाया था तो उसने मंद बुद्धि बालकों के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? मंद बुद्धि बालकों के लिए, क्लियर। तो फिर जब वो टेस्ट बना चुका था, यूज कर रहा था 1905 के अंदर, तो उसने क्या देखा कि कोई बच्चा 10 साल का है और उसका दिमाग तो अभी 7 साल का ही है, कोई बच्चा 12 साल का है, दिमाग तो उसका 5 साल का ही है। तो उसने कहा यार रियल एज के अलावा इस एज को क्या बोलो, तो उसने नाम दिया मेंटल एज। ये जो मेंटल एज वर्ड है वो दुनिया में कैसे आया, समझ में आया बोलो भाई? कोई भी इंसान काम करेगा तो चीजें आएगी, काम ही नहीं करेगा तो चीजें कैसे आएगी, बोलो बात समझ में। तो फिर 1912 के अंदर इसी मेंटल एज वर्ड को लिया किसने, स्टर्न ने, और फॉर्मूला दिया जिसमें करेक्शन करके टर्नमन ने इम्प्रूव किया, बोलो बात समझ में आई बोलो, क्लियर। तो आई थिंक यहां तक बात समझ में आए। फिर क्या हुआ कि बोलो 1911 में, ठीक है, 11 में इसने क्या किया, कुछ करेक्शन किया अपना, बात समझ ना। 1911 में बोलो बिने, ठीक है, एंड साइमन साइमन ने अपने अपने परीक्षण बोलो में बोलो परीक्षण में बोलो सुधार सुधार करके करके प्रश्नों की संख्या 54 कर दी। कितनी करी बोलो? कर दी, क्लियर। क्या कर दी बोलो? 54 कर दिए। बात समझ में आई बोलो? तो ये कहानी किसकी है? बिने साइमन बुद्धि स्केल की, जो पहली स्केल है, पहला बुद्धि परीक्षण है, क्लियर। कभी लिखा हुआ बिने साइमन बुद्धि स्केल तो भी वही बात है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण वो भी वही बात है। बात समझ में आई बोलो? दोनों का मीनिंग सेम है। फिर पिक्चर में कौन आया? मैंने कहा बिने, बोलो स्टिनफोर्ड, क्लियर, स्टिनफोर्ड, बोलो स्टिनफोर्ड बिने, मैंने कहा बुद्धि परीक्षण। ये मैं कहानियां बता रहा हूं आपको नाम समझाने के लिए, क्लियर, ध्यान से समझना। फिर क्या हुआ 1916 के अंदर, क्लियर, स्टिनफोर्ड अमेरिका की बोलो यूनिवर्सिटी है। स्टिनफोर्ड किसी साइंटिस्ट का मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं है, ध्यान से समझना, कि बोलो बिने ने अमेरिका के स्टिनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोलो साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर जिसका नाम था लेविस टर्मन, क्या नाम था? लेविस, हम जो टर्मन टर्मन कहते हैं, टर्मन का पूरा नाम क्या है? लेविस टर्मन, उसके साथ मिलकर फिर क्या किया बोलो, दूसरा बुद्धि परीक्षण दिया जिसका नाम क्या रखा? स्टिनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, क्लियर। तो ये स्टिनफोर्ड लेविस ने कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरी बोलो मैं जहां का प्रोफेसर हूं उस यूनिवर्सिटी का नाम आना चाहिए, क्लियर, ओके। तो यहां पर ये स्टिनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण नाम समझ में आया। तो मैंने कहा 1916 में बोलो बिने ने मैंने कहा अमेरिका बोलो कि मैंने कहा स्टिनफोर्ड विश्वविद्यालय बोलो यूनिवर्सिटी के बोलो प्रोफेसर प्रोफेसर लेविस टर्मन, क्लियर, लेविस टर्मन के साथ मिलकर मिलकर बोलो मिलकर नया बुद्धि परीक्षण परीक्षण बोलो दिया, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा बोलो? स्टिनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। तो ये नाम कैसे समझ में आया बोलो आपको? क्लियर, बात समझ में आई बोलो? तो थोड़े दिन तो चला, फिर
फिर वो क्या है, टर्म नाराज हो गया। उसने कहा यार मेरा नाम तो दिया ही नहीं, बात समझ ना। तो पुण्य ने कहा था कि मैंने तो तेरे से पूछा था, तूने कहा था मेरी मैं ऐसी इमेजिंग कर रहा हूँ, क्लियर। फिर 1937 के अंदर टर्मन क्या हो गया, अलग। और उसने लंदन के प्रोफेसर मेरिल के साथ मिलकर नया बुद्धि परीक्षण दिया, जिसको हम टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण कहते हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या 90 रखी, क्लियर। लेकिन उन 90 के अंदर 16 प्रश्न एज जटीज हुए लिए जो बिने के थे। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो यहां पर मैं आगे कहानी क्या बता रहा हूं, बोलो। नंबर 3 मैंने कहा टर्मन मेरिल क्लियर बुद्धि परीक्षण, ठीक है, बुद्धि परीक्षण, ओके। तो यहां पर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा 1937 बोलो में टर्मन, ठीक है, टर्मन पूरा नाम क्या है, लेविस टर्मन, टर्मन ने बोलो लंदन के प्रोफेसर मेरिल क्लियर बोलो मेरिल के साथ साथ मिलकर बोलो नया बुद्धि परीक्षण दिया, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा, बोलो टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण। क्या रखा, टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण, ओके। जिसका नाम आपसे मैं कह रहा हूं टर्मन मेरिल, ठीक है, बुद्धि परीक्षण, बोलो परीक्षण रखा, ठीक है, ओके। इसमें मैंने कहा इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रखी, बोलो 90 रखी, ठीक है, जिसमें 16 प्रश्न बोलो बिने, ठीक है, की स्केल बोलो से कॉपी बोलो थे। बात समझ, बाकी नए बनाए थे, बाकी 16 प्रश्न जटीज किसके थे, बोलो बीने वाले थे। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। फिर क्या हुआ, बोलो 19 आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर, बोलो मैंने कहा 60 में, क्लियर, बोलो इस परीक्षण, ठीक है, बोलो मैं सुधार करके इसे पूर्णतः, बोलो पूर्णतः दोष मुक्त, ठीक है, दोष मुक्त बोलो बनाया, क्लियर। तो अगर वर्तमान में पूछा जाए कि कौन सा बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत भाषात्मक बुद्धि परीक्षण सर्वश्रेष्ठ है, तो टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण है, क्लियर। तो अब मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैंने कहा अते वर्तमान में क्लियर व्यक्तिगत भाषात्मक बुद्धि परीक्षण में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ बोलो टर्मन मैंने कहा मेरिल, टर्मन मेरिल बोलो बुद्धि परीक्षण बोलो है, ठीक है, टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण है। आपको मेरी बात समझ में, ये पूरी कहानी मैंने किसकी बताई, इन तीनों नाम की, क्लियर। एज आपको एसच तो यही ध्यान होना चाहिए कि कौन से व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भाषात्मक बुद्धि परीक्षण है, जो मैंने पहले चार्ट में बता दिया, बट थोड़ी कहानी से क्या हमें नाम समझ में आते हैं कि नाम कैसे, बोलो बिने साइमन कैसे है, स्टिनफोर्ड बिने साइमन बोलो बुद्धि परीक्षण कैसे है, और टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण नाम कैसे बने हैं। बात समझ में आए, बोलो ओके। तो ये पहली कहानी आप नोट कर लोगे, ओके। बात समझ में आए, बोलो। एक बार ये पूरा पढ़ लेंगे, बाद में रिवाइज में तो आपके वो जो चार्ट बताया उससे काम हो जाएगा, ठीक है।
किया ये नोट बोलो। ठीक है हटा दूं। ओके 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 ये भी किया नोट बोलो। एक ही चीज है जो आपको याद रखनी है, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी तो मैं कहानी में आपको बता रहा हूं, आपकी एक भी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये एक पहली डेट और आपको यह ध्यान रखनी है। और बिने कहां का रहने वाला बोलो, फ्रांस देश का। ठीक है, बस ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी एक भी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो पहली है वो आपको याद रखना है। क्लियर? ओके इस कहानी में यह वर्ड बताया, एग्जाम में पूछ ले मेंटल एज रब किसने दिया बोलो, बिने और साइमन ने दिया। क्लियर? ओके
आई बात समझ मेरी, बोलो। ओके, तो ये वाला नाम कैसे हुआ समझ में आया, बोलो। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, क्लियर? क्योंकि इसके साथ मिलकर बोलो नया दिया जिसका नाम ये रखा, बात समझ ना। ओके, फिर थोड़े साल तो ठीक है, फिर टर्मन हो गया नाराज, टर्मन हो गया नाराज, और उसने क्या किया बोलो, लंदन के प्रोफेसर लेविस बोलो आपका मेरिल के साथ मिलकर नया बुद्धि परीक्षण दिया, ठीक है? और जो लास्ट में मैंने बात लिखी है वो इम्पोर्टेंट है कि सबसे अच्छा भाषात्मक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन सा होगा, बोलो। टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण है, ठीक है? ये पूर्णतः दोष मुक्त बना दिया, मतलब समझ में आया, बोलो। करेक्शन वरेक्शन सबके कर दिए, ठीक है? एक सेकंड के दिमाग में आता है कि इनमें क्या करेक्शन होता होगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। सपोज दैट किसी बुद्धि परीक्षण के स्केल के अंदर किसी एज ग्रुप के लिए कुछ प्रश्न बना है, बोलो, कुछ प्रश्न बना है, और लेटर ऑन डिस्कशन हुआ कि ये प्रश्न तो इस एज ग्रुप के नहीं होकर के इस एज ग्रुप के हैं। और समझे नहीं समझे, बोलो, क्लियर? कभी हम कोई प्रश्न रखते हैं तो लगता है कि ये प्रश्न इस एज ग्रुप के लिए सेट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो आपको? कभी छोटे बच्चों के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेला है आपने, बोलो? खेला कि नहीं खेला, बोलो। तो आपके सामने अगर बच्चा 10 ईयर का है तो आप उसको क्वेश्चन कैसे पूछोगे जो उसकी एज ग्रुप से रिलेटेड होगा, समझ में आया, बोलो, क्लियर? और सपोज दैट आपने टफ पूछ लिया और आपको लगा नहीं यार ये तो इस एज ग्रुप का है ही नहीं है, तो दूसरे एज ग्रुप का है, तो बोलो करेक्शन करना ही पड़ता, बोलो। वही काम इनमें हुआ है, बात समझ में आया, बोलो। ओके।
ये कौन सी किसकी कहानी थी बोलो? भाषात्मक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की। ठीक है, हो गया बोलो। ठीक है, हटा दूं? अब क्या बताऊंगा बोलो? क्रियात्मक व्यक्तिगत बुद्धि विचार तो पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, बोलो। क्लियर? ओके, ताकि आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़े। दूसरा क्या है बोलो? मैंने कहा क्रियात्मक बोलो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बुद्धि परीक्षण। ओके, मैंने कहा फंक्शनल पर्सनल बोलो टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, फंक्शनल पर्सनल। ठीक है, टेस्ट ऑफ ठीक है इंटेलिजेंस, ये किसके लिए बनाया गया बोलो? अनएजुकेटेड के लिए। ठीक है बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं ये है बोलो। मैंने कहा इतना से लिख दो, समझ जाओगे बोलो? ठीक है, के लिए बनाया गया। ओके, पहले बताओ समझ जाओगे? वो किसके लिए था? एजुकेटेड। ये किसके लिए है? अनएजुकेटेड के लिए। क्लियर? अच्छा, फिर क्या बता रहा हूं? इसमें कितने हैं? दो। ठीक है बोलो, दो टेस्ट है इसमें। एक कौन सा है बोलो? कल पहले बताया था पोर्टियस बोलो भूल भुलैया परीक्षण। ठीक है बोलो, मैंने कहा बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये पहली बात तो किसके लिए दिया गया है? बच्चों के लिए। बोलो किसके लिए दिया है? बच्चों के लिए, 3 to 14 ईयर बोलो एज ग्रुप के लिए। ठीक है, बात समझ में आए? क्या करते हैं इसमें बोलो? जो बच्चे के रियल एज है, जब उस बच्चे का बुद्धि परीक्षण करना होता है, पता चला कि बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको एक कागज जिसपे भूल भुलैया बनी हुई है और एक पेंसिल पकड़ाई जाती है और बोलो कहा जाता है कि इसके अंदर इस भूल भुलैया में से रास्ता बनाओ। बात समझ में? सपोज दैट उसने फटाक से 5 साल की एज और 5 साल वाली भूल भुलैया को बना दिया, तो छठी देंगे बोलो? छठी का बना दिया, सात ही देंगे बोलो? और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? और इस तरह से उसका बुद्धि परीक्षण किया जाएगा। इसमें उसने क्या किया? बोला के फंक्शन काम किया बोलो, वर्क किया क्रियात्मक, तो इसलिए। और अकेले ने किया, कुछ ने मिलके किया, अकेले ने, तो इसका नाम क्या हो गया बोलो? पोर्टियस भूल भुलैया, जो पोर्टियस ने दी है, और वो किसका टाइप हो गया? क्रियात्मक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का। बात समझ में आया बोलो? क्लियर? अच्छा बोलो, दूसरा क्या है? मैंने आपको बताया था वेस्लर बोलो, आपसे मैं करूं वैल्यू बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अच्छा बोलो इसमें भी क्या होता है? सेम ऐसा ही होता है बोलो। पहले तो ये किसके लिए दिया गया है? वयस्क के लिए। तो होता क्या, इसकी कहानी समझना। एक्चुअली क्या है, 1944 में जब ये दिया गया था, मैं ये 10 बोलो मैंने कहा ईयर, ठीक है, से 60 ईयर बोलो तक के लिए दिया गया। ठीक है, दिया गया। फिर इसको किसी ने समझाया कि बोलो बच्चों के लिए तो उधर दे रखा है, तो फिर इसने क्या किया, 1966 में बोलो इसे 16 to 60 ईयर क्लियर बोलो आपसे के लिए कर दिया। ओके, इसलिए आज हम बोलो इसको क्या कहते हैं बोलो? किसके लिए? वयस्कों के लिए। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो? क्लियर? के लिए। पहले बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बोलो? ये चीजें केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि पहले इसने इसके लिए दिया था, फिर इसने चेंज करके इसको कर दिया इसमें। तो आज अगर आपसे पूछा जाए कि वयस्क के लिए व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो वो कौन सा है बोलो? वेस्लर वेल्यू बुद्धि परीक्षण। एक ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, या ये परीक्षण किसके लिए दिया गया है? क्लियर बोलो। और ये किस लिए दिया है? बच्चों के लिए। बात समझ में है? और भूल भुलैया तो मेरे हिसाब से जानते ही हो बोलो, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी भूल भुलैया कहाँ है बनाई हुई? सिंगापुर के अंदर डिज्नीलैंड, नाम सुना बोलो आपने? वहां पर।
बोलो लंबा चौड़ी जगह में गार्डन के अंदर भूल भुलैया बना रखी है, जहाँ हनीमून मनाने लोग जाते हैं और वहां पर बोलते हैं मैं इधर से घुसता हूँ तुम इधर से घुसो, फिर देखते एक दूसरे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, बहुत सारे रास्ते ही भूल जाते हैं क्योंकि भूल भुलैया होती है, बोलो क्लियर। और उसका छोटा रूप, अब आप सिंगापुर तो जाओगे नहीं तो आपको मैं कह रहा हूँ उसका छोटा रूप हमारे नाथद्वारा के अंदर विश्व रूपम जो है उसके अंदर बनाया गया है, क्लियर। छोटा सा उसमें वैसा ही बनाया है, क्लियर क्लियर। तो आप तो उसमें ही मिल लेना, बात समझ में आए, बोलो क्या बताया मैंने, समझ में आया, बोलो फीलिंग सिंगापुर के डिज्नीलैंड की आ जाएगी। ओके तो आई थिंक मेरी बात समझ, जो चीज कागज में होती है उसी को किसमें बनाया गया, गार्डन के अंदर, क्या करेंगे समझ में आया, बोलो गार्डन के अंदर इधर गए रास्ता बंद, इधर गए रास्ता बंद, जो किसमें होती है कागज में वही कहाँ बनाया, बोलो गार्डन में, बात समझ में आए, बोलो ओके। तो ये क्या बताया मैंने समझ में आया, बोलो फटाक से नोट कर लो, ये तो ठीक है। बस ये ध्यान रखने की जरूरत है पोटियस बुलबुले बच्चों के लिए और वैस लेवल्यू वैस के लिए, और यहां से वैस का हमें पता भी चल रहा है, ठीक है। पहले बताओ आपको पहला समझ में आया व्यक्तिगत वाला, क्लियर। अब मैंने आपसे कहा पहले तो व्यक्तिगत ही था, वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वार हुआ तो ऑर्थर एस ओटिस ने सामूहिक बनाया, क्लियर। इसलिए हमने पहले कौन सा पढ़ा, बोलो व्यक्तिगत पढ़ा, क्लियर। अब बोलो पिक्चर में कौन आएगा, ऑर्थर एस ओटिस, और जो सामूहिक के सारे हैं वो देने वाला कौन है, ऑर्थर एस ओटिस। और इसमें कौन किसने दिया सब नाम से पता चल रहा है, बिने साइमन पता चल रहा है, स्टीफन बिने की कहानी बता दी, टनमन मेरी की बता दी, इसमें नाम से पता चल रहा है, इसमें नाम से पता चल रहा है। अरे बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। बच्चों के लिए व्यक्तिगत व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया, पोटियस ने दिया, क्यों देगा बोलो पोटियस नाम, बोलो और पूछेगा तो समझ में आया, बोलो इस तरह से, ठीक है। मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। अगेन बता रहा हूं ये चीजें केवल समझने के लिए, बोलो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। ये तो मैंने आपको बताया कि रियलिटी में पहले इसने इस एज ग्रुप के लिए दिया था, बाद में इसने चेंज करके इसके लिए दिया क्योंकि ऑलरेडी बच्चों के लिए पोटियस का है। तो ये किसके लिए बन गया फिर, वयस्क एडल्ट के लिए, और वो किसके लिए बन गया, बोलो चिल्ड्रन के लिए बस। और दोनों टेस्ट किस टाइप के हैं, बोलो प्लस फंक्शनल पर्सनल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें भी एक को एक ही बुलबुलिया दी जाएगी और उसको खुद करना, न कि ग्रुप की हेल्प लेके नहीं करना है, क्लियर। बात समझ में आए, बोलो। अब मैंने कहा दूसरी कैटेगरी कौन सी आपने, बोलो आपको मैं कहूँ सामूहिक, ठीक है, बोलो बुद्धि परीक्षण, ठीक है, बुद्धि परीक्षण, ओके। तो मैंने कहा ग्रुप आपका टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, क्लियर। तो आपको क्या बता रहा हूं, इसका जन्मदाता कौन है, बोलो आर्थर एस ओटिस, जो का है, बोलो अमेरिका का, क्लियर। तो मैंने कहा इसके जन्मदाता बोलो कौन होंगे, बोलो आर्थर एस ओटिस, ध्यान रखना
बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड एस ओटीस क्लियर। बाकी जनरली स्टूडेंट के दिमाग में बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता का मतलब कौन, गुसावा बोलो, बिने 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 क्लियर। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता, फिर बिने नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी कहानी अलग है जो किसकी है, बोलो ऑर्थर एस ओटीस, और ये कहाँ का रहने वाला है, बोलो अमेरिका का, क्लियर। ओके तो अब मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पर मैंने कहा कि बोलो यहाँ पर बोलो फर्स्ट वर्ल्ड ठीक है वॉर ओके, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध ठीक है, विश्व युद्ध मैंने कहा, प्रथम विश्व युद्ध में बोलो लाखों ठीक है, लाखों मैंने कहा आर्मी ठीक है, बोलो के बोलो जवानों, बोलो जवानों की भर्ती भर्ती के लिए बोलो ऑर्थर ऑर्थर एस ओटिस ठीक है, ओटिस ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण के दो भाग बताए ठीक है। वो दो होंगे कौन से बोलो, वो तो आप समझ गए, एक क्या होगा बोलो भाषात्मक और एक क्या होगा क्रियात्मक, बात समझ में आए बोलो, एक क्या होगा भाषात्मक ठीक है और एक क्या होगा बोलो क्रियात्मक ठीक है, क्रियात्मक ओके। और भाषात्मक किसके लिए है, भाषात्मक को क्या बोलते हैं शाब्दिक ठीक है, शाब्दिक, और इसको क्या बोलेंगे बोलो, मैंने कहा अशाब्दिक ओके, वही वर्ड है सब कुछ, एवरीथिंग इज सेम। इसमें किसको भर्ती किया बोलो, पढ़े लिखों के लिए, और उसका नाम क्या दिया बोलो, आर्मी बोलो आर्मी अल्फा परीक्षण क्लियर, आर्मी अल्फा परीक्षण ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण, और इसमें क्या रखा बोलो, आर्मी बीटा बोलो, मैंने कहा बीटा ऐसा लिख दो समझ जाओगे बोलो, क्लियर आर्मी बीटा परीक्षण ओके। और ये किसके लिए बनाया गया बोलो, एजुकेटेड और ये अनएजुकेटेड क्लियर। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर वापस उसने टेस्ट बनाया क्लियर ओके। तो ये किसके लिए है, ये आपको मैंने पहले बता चुका हूं क्लियर, बात समझ में आए बोलो। फिर मैंने क्या कहा यहाँ पर बोलो, सेकेंड बोलो वर्ल्ड ठीक है, बोलो सेकेंड मैंने कहा सेकेंड बोलो वर्ल्ड वॉर ओके, के समय फिर बनाया बोलो, पढ़े लिखों के लिए बनाया, फिर उसका नाम क्या रखा बोलो, सेना सामान्य वर्गीकरण बोलो बुद्धि परीक्षण ठीक है, या सेना सामान्य बुद्धि परीक्षण एक ही बात है, बुद्धि परीक्षण क्लियर। और जब मैंने इधर रख दिया मतलब अब आप पहले की कहानी समझ जाओगे ना कि ये किसके लिए बोलो, पढ़े लिखों के लिए ओके। और इधर क्या बना दिया बोलो, नंबर टू जिसका नाम रखा शिकागो ठीक है, शिकागो मैंने कहा क्रियात्मक बोलो टेस्ट ठीक है या परीक्षण, बात समझ में आए बोलो। पहले बताओ ये पूरी कहानी समझ में आएगी नहीं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑर्थर एस ओटिस अमेरिका, और अल्फा वाला किसके लिए दिया और बीटा वाला किसके लिए दिया, क्लियर नोट कर लोगे। बाकी एंड रिजल्ट तो आपको रिवाइज किससे करना है, जो मैंने चार्ट बताया था, बात समझ में, ये तो एक बार हम डिटेल से पढ़ा है, बाकी आपका काम तो उस चार्ट से ही हो जाएगा जो मैंने कल बताया था ठीक है।
और इन टेस्टों से लाखों की भर्ती होती है, क्लियर? ओके, बताया था आर्मी अल्फा आर्मी बीटा, क्लियर? भाषात्मक का मतलब ही एजुकेटेड के लिए, एक बार बता दिया वापस लिखने की जरूरत नहीं है। क्रियात्मक का मतलब ही अनएजुकेटेड के लिए, और जब कम टाइम में ज्यादा भर्ती करनी होती है तो सामूहिकी किया जाता है, क्लियर? ओके, इतनी कहानी समझ में आए? बोलो, ये तो हमने क्या पढ़ा? बोलो, बुद्धि परीक्षण पढ़ा, क्लियर? अब स्पेशल नोट पे दो टर्म क्लियर कर रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में आती है। एक आता है बेसल ईयर, एक होता है टर्मिनल, एक बेसल एज और एक टर्मिनल एज, क्लियर? ये दो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किसको हम बेसल एज बोलेंगे और किसको हम टर्मिनल एज बोलेंगे, क्लियर? ये तो जो चार्ट बनाया था कल वही वापस मैंने आपको समझाया है। बोलो, एक बार दिमाग में पिक्चर बन गई होगी, क्लियर? हो गया ये नोट? बोलो ओके, हटा दूं? ऑलमोस्ट याद भी हो गया होगा कि क्या बुद्धि परीक्षण है। अब यहां पर स्पेशल नोट के अंदर मैंने कहा दो वर्ड क्लियर कर रहा हूं, एक बेसल एज ओके, एक बेसल आयु, और एक मैंने कहा बोलो टर्मिनल, टर्मिनल एज, बोलो टर्मिनल, टर्मिनल आयु, क्लियर? थोड़ा समय ना, सपोज एंड मुझे किसी का बुद्धि परीक्षण करना है और मेरे पास एक 10 साल का बच्चा आया, क्लियर? 10 साल के बच्चे को मैंने प्रश्न पूछा, फटाक से बता दिया। 11 साल के प्रश्न पूछे, फटाक से बता दिया। 12 साल के प्रश्न पूछे, फटाक से बता दिया। 13 साल के प्रश्न पूछे, ऊपर इधर उधर देखने लग गया। इसका मतलब हुआ कि बोलो बेसल एज और टर्मिनल एज का मतलब क्या होता है? वे एज ग्रुप जहां तक बच्चा प्रश्नों के आंसर देता है वो क्या होती है? बेसल एज, क्लियर? और वे एज ग्रुप जिसके प्रश्नों का आंसर बच्चा नहीं देता वो क्या बन गई? टर्मिनल एज। बोलो, मीनिंग समझ में आया? बोलो, बेसल एज का मतलब क्या हुआ? वह एज ग्रुप जहां तक बच्चे प्रश्न का आंसर देता है, क्लियर, उसको क्या बोलेंगे? बेसल एज। और टर्मिनल एज का मतलब समझ गए? वे एज ग्रुप जिसका आंसर बच्चा नहीं देता है, क्लियर। अगर कोई 10 साल का है, 11 का दे रहा, 12 का दे रहा है, 13 का नहीं दे रहा है, 14 का नहीं दे रहा है, तो टर्मिनल एज 13 बनेगी, 14 बनेगी, 13 ही बनेगी। अरे समझे नहीं समझे? बोलो, क्लियर। और बेसल एज कौन सी बनेगी? जहां तक आंसर देता है। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए। आपको लैंग्वेज दे के बोले, एक बच्चा है राजू है, बोलो 9 साल का है, वो 13 साल के प्रश्नों का आंसर दे रहा है, 14 का नहीं दे रहा है, तो बताओ उसकी बेसल एज और टर्मिनल एज होती है 13 14 14 13। एक उसकी कितनी बताई थी? 9 13। अरे बोलो, समझे समझे? बोलो, 9 और 14 यही ऑप्शन होंगे। बोलो, क्लियर। तो आपको दोनों मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि टर्मिनल एज, बेसल एज, बेसल एज, टर्मिनल एज क्या होती है। तो मैंने सिंपल तरीके से समझाया, समझ में आई मेरी बात? कि अगर कोई भी बच्चा जिस एज ग्रुप तक के प्रश्नों का आंसर देता है वो एज ग्रुप क्या कहलाएगी? बोलो, बेसल एज। और जिसका नहीं देता वो क्या बन जाएगी? टर्मिनल एज, क्लियर। ओके, तो मैंने कहा बोलो वह एज ग्रुप कोई, मैंने कहा बच्चा, बच्चा ठीक है, जिस मैंने कहा एज ग्रुप बोलो तक के प्रश्नों के, प्रश्नों के आंसर देता है उसे, उसे हम क्या कहते हैं? बोलो, बेसल एज, क्लियर।
वो लोग कहते हैं ओके। और मैंने कहा टर्मिनल एज क्या बोलूंगा, कोई बच्चा मैंने कहा जिस एज ग्रुप, बोलो एज ग्रुप के प्रश्नों के आंसर नहीं दे पाता है, ठीक है, बोलो उसे उसे हम क्या कहते हैं, बोलो टर्मिनल एज। देखो ये सब चीजें समझने की है बात, समझ इसमें ऐसा सच कुछ रटने का है नहीं, बोलो एक बार समझ में आ गया उसे टर्मिनल एज कहते हैं। बेटर होगा कि हम इनमें एक क्वेश्चन कर ले बोलो, ताकि हमेशा हमें ध्यान रहेगा। एग्जाम्पल तो क्या लिखो, समझ गए ना, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है एक, बोलो मैंने कहा एक, बोलो राजू, क्लियर राजू, बोलो नौ वर्ष का है, वह 12 आपसे मैं करूं एज ग्रुप, ठीक है, के प्रश्नों का आंसर बोलो देता है, परंतु 13 एज ग्रुप, ठीक है, के बोलो नहीं दे पाता है, ठीक है, नहीं दे पाता है, तो उसकी टर्मिनल एज एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। पहले क्या प्रोसेस समझ में आया, बोलो उसकी टर्मिनल एज एंड बेसल एज बोलो होगी, क्लियर होगी। अब ऑप्शन ए बी सी डी पक्का क्या देंगे, बोलो आपसे मैं कहूं 13 and 9, क्लियर ओके, बोलो आपको दिया एक 13 and 14, एक 14 and 13 और एक आपका 9 and 13, पहले बताओ ऐसे ही ऑप्शन होंगे, बोलो क्लियर। अब आपको दो वर्ड क्लियर होने चाहिए, पहले क्या पूछा वो दोगे, अरे समझे बोलो, मैंने क्या पूछा टर्मिनल और बेसल, तो बताओ आंसर क्या होगा, अरे बोलो अरे प्रिंटिंग मिस्टेक क्यों, बोलो जो मैंने लिखा वही रहने दूंगा, यहाँ पर कर दूंगा ये और यहाँ कर दूंगा, अब तो खुश, अरे समझे बोलो, अपने हाथ में ही है, राजू बनाऊं, सिमरन बनाऊं, अरे कोई सा भी एज ग्रुप करूं, समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर, क्या आंसर होगा बोलो, सी, बोलो मैंने क्या बताया, समझ में आया, बोलो ध्यान रखना बेसल क्या और टर्मिनल क्या, जो पूछेंगे वो बताएंगे, बोलो क्लियर, ऑप्शन तो 13-14 भी है, ओके नोट करोगे। पहले बताओ मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आए बोलो, ओके अक्सर इसका क्वेश्चन आ जाता बेसल एज और टर्मिनल एज का। हो गया, ये सब चीजें दिमाग में सेट होनी है, क्लियर ओके, तो लॉन्ग टाइम ध्यान रहेगा। ये हुआ नोट बोलो, ओके पूछने में उसकी मर्जी, बेसल टर्मिनल पूछे, टर्मिनल बेसल पूछे, क्लियर ओके। ऐसा कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है
कल क्या सीखेंगे हम इसी टॉपिक में कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ईक्यू क्या होता है, बोलो ईक्यू का सक्सेस में क्या रोल है, आईक्यू तो जान लिया, बोलो ईक्यू क्या होता है, क्लियर? ओके, ईक्यू को कैसे मजबूत किया जा सकता है और किसी भी पर्सन की सक्सेस में ईक्यू का क्या रोल है, क्लियर? तो वो सारा हम स्टडी करेंगे, वो भी अच्छे से समझने का है, ठीक है? समय का आत्मबुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके।